अस्सलाम वालेकुम, मैं आरएल के लिए आप देख रहे हैं रियल टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज इस वीडियो में नई खबर और बहुत बड़ी खबर शामिल करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उन्हें कोर्ट लेके जाया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी जाएगी, उनको रिहा कर दिया जाएगा या उनको जमानत मिल जाएगी। तो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की गिरफ्तारी को, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से के अहाते में से उनको गिरफ्तार किया गया था, उसको गैर कानूनी करार दे दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो अगर इसी तरह से गिरफ्तारियां होती रहीं तो अदालतों पर कोई भी एतबार नहीं करेगा। वारंट चाहे असली था या नकली था या फिर जैसा था, कानूनी था गैर कानूनी था जो भी था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी गई है। इमरान खान जो है उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। अब देखते हैं कि वो कब तक रिहा होते हैं, उनको कब तक रिहा किया जाता है और तमाम कारकुनान जो है उनके उनमें एक खुशी की दौर जो है वो लहर चुकी है और हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। मज़ीद मैं आपको ये बताऊँ कि वारंट जो है उसके बारे में कहा गया कि ये नहीं पता कि वो कानूनी था या गैर कानूनी था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से जो फैसला दिया गया है वो ये दिया गया है कि उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल गैर कानूनी थी। मतलब आप उनको हाई कोर्ट से जो है उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, इमरान खान को इसको गैर कानूनी करार देते हुए उनको फौरी रिहा करने का हुक्म दिया है। अब मज़ीद आगे क्या होगा ये तो कुछ कहना कबल उस वक्त होगा, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इमरान खान जो है वो हीरो बन के सामने आ गए हैं। हीरो बन के सामने इसलिए आ गए क्योंकि कोई भी लीडर जिनके पीछे जो पहले गिरफ्तार हुए माजी में उनके पीछे इतना बड़ा एहतजाज पूरे मुल्क में नहीं देखा गया। मेरे हिसाब से कि इस वक्त तमाम जो लोग हैं जो पीटीआई के कारकुनान हैं या पीटीआई के सपोर्टर्स हैं या इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, उन्होंने एक एक शहर के अंदर निकल के एहतजाज किया है। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एहतजाज की वजह से नहीं हुई, ये तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक कोर्ट का जो डेकोरम है उसको बरकरार रखने के लिए ये बताया कि ये उनको उस किसी भी शख्स को कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये उन्होंने बताते हुए कहा कि ये गैर कानूनी है और अगर इसी तरह से मज़ीद गिरफ्तारियां होती रहीं या आगे गिरफ्तारियां इस तरह से हुई तो ये कि कोई भी फिर अदालतों पर भरोसा नहीं करेगा, अदालत लोग आएंगे ही नहीं। तो उसको बरकरार रखने के लिए, उसके डेकोरम को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। तमाम जितने पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो कारकुनान हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, जाने से पहले आप मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएँ ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच रहे, तमाम खबरें आप तक पहुँच रहे। मैं हूँ राहिल गिल, खुदा हाफिज़।